इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में जनसभा के दौरान नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव से पहले हम नक्सल मुक्त देश बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने की भी बात कही। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया था, जिस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। भूपेश भैया, बैठ तो गए हो मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है, जरा कुछ किया हो तो दो चार चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का, खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है, वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये विकास की गाड़ी को अकेली केंद्र सरकार नहीं चला सकती। विकास की गाड़ी को गति देनी है तो दो दो इंजन लगाने पड़ेंगे। एक इंजन आपने बना दिया है नरेंद्र मोदी का, दूसरा इंजन छत्तीसगढ़ सरकार का लगा दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो कुछ कमी रह गई है उसको हम 5 साल के अंदर पूरा कर देंगे। मित्रों, 5 साल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए जो फंड जारी किया गया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लोगों को पूछने आया हूं, ये 9234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहाँ गया, बता दूं। आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना। बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो चार चार कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको, औड़ी औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया, क्या कमाई हुई, क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।